दोस्तों मैं तुहानू सुनाउण जा रहा हाँ लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी सूरत द कॉफी हाउस। इसका पंजाबी अनुवाद किया है चरण गिल ने। भारत देश के सूरत नगर में एक कॉफी हाउस है जिस दुनिया भर तो वड्डी गिनती में यात्री आते विचार वटांदरे करते सन। एक दिन उस कॉफी हाउस में फारस का एक विद्वान आया। उसने पूरी जिंदगी सिरजनहार बारे अध्ययन कर ते किताबां पढ़न लिखन विच गुजार दित्ती सी। बहुता पढ़न सोचन कारण उसका दिमाग हिल गया ते उसने ये सोचना शुरू कर दिता सी कि रब दी होंद है ही नहीं। फारस दे बादशाह ने यह सुनदिया ही उसनों देश निकाला दे दिता। सारी उम्र लौकिक तर्क बारे मगज खपाई करन तो बाद यह मंदभागा धर्मशास्त्री अपने ख्यालों विच उलझ गया ते यह समझन की बजाय कि वह अपना मानसिक संतुलन गुआ बैठा है सोचन लग पिया कि इस संसार का कोई करता ही नहीं है। इस व्यक्ति दे नाल एक अफरीकी गुलाम भी सी। वो हर थां ते उस नाल रहिंदा। जदों धर्मशास्त्री कॉफी हाउस विच दाखल होया तां नौकर बार दरवाजे दे कोल धुप्पे पए एक पत्थर ते बैठ गया ते अपने आले दुआले पिणपणाउंदियां मक्खियां नूं दूर हटाउण विच रुझ गया। फारस दे बंदे ने कॉफी हाउस विच दीवान ते आसन जमा लिया ते अफीम दा प्याला मंगवाया। जदों अफीम के असर नाल उसका दिमाग तेज गिणना शुरू हो गया तो उसने अपने नौकर नूं खुले दरवाजे राही पुछया, बदनसीब गुलाम भला दस खां कि कोई रब है जा नहीं। गुलाम ने अपने कमरबंद विच किसी देवता की लक्कड़ की मूर्ति कढ़ी ते बोलिया, बेशक यह है मेरा भगवान जिसने मेरे जन्म तो मेरी रक्षा की है। साडे देश विच हर कोई उस रुख की पूजा करता है जिस दी लक्कड़ तो यह रब बनाया गया सी। धर्मशास्त्री ते उसके गुलाम विचकार ये गलबात कॉफी हाउस के होर मेहमान भी हैरानी नाल सुन रहे सन। वह सारे धर्मशास्त्री के सवाल ते हैरान सन ते गुलाम का जवाब सुन वह होर भी चकरा गए। उन्हां विचों एक ब्राह्मण सी। वह उस गुलाम वल घूमया ते बोलिया, मूर्ख प्राणी की रब नूं आदमी की कमर नाल बन के रखना संभव है? इको एक रब है ब्रह्मा ते ओ दुनिया नालों वड्डा है क्योंकि उसने इसनू साजा है। ब्रह्मा एक है शक्तिशाली रब है ते उसके सन्मान विच गंगा दे कंडे मंदिर बनाए गए ने जिथे उसके सच्चे पुजारी ब्राह्मण उसकी पूजा करते ने। वह सच्चे रब नू जानते ने ते उसके अलावा होर कोई नहीं। हजारां साल बीत चुके ने ते अनेक इनकलाब आए पर इन्हां पुजारियों का प्रभाव बरकरार रहा है क्योंकि इको एक सच्चे रब ने उन्हां दी रक्षा कीती है। ब्राह्मण दृढ़ता नाल बोलिया ते उसनू लग्या कि हरेक ने उसका यकीन कर लिया होना। पर उत्थे मौजूद एक यहूदी दलाल ने उसनू उत्तर दिता, नहीं सच्चे रब दा घर भारत नहीं है ते ना ही ब्राह्मण जाति दी रक्षा करदा है। सच्चा रब ब्राह्मणा दा नहीं अब्राहम इहसाक ते याकूब दा है। वह अपने पसंदीदा लोकां इजराइलियां तो इलावा किसी की रक्षा नहीं करता। संसार दे शुरुआत तो ही साड़ी इकली साड़ी कौम उसकी महबूब कौम रही है। जे हुण असी पूरी धरती उत्ते खिंडरे होए हाँ ये सिर्फ साड़ी प्रीख्या ली जा रही है क्योंकि रब ने वादा किया है कि वह एक दिन यरूसलम विच अपने लोगों नूं इकट्ठे करेगा। फिर प्राचीन संसार के अजूबे यरूसलम के मंदिर की शान मुड़ बहाल होवेगी ते इस नाल इजराइल नूं सारियां कौमां दा हाकम स्थापित किया जाएगा। इस तरह यहूदी बोलता रहा ते रोन लग पिया। उन्हें हंजुआ दी झड़ी ला दित्ती। वह होर बोलना चाहुंदा सी पर एक इतालवी मिशनरी ने उसनू टोक दिता ते अपनी गल शुरू कर दित्ती, झूठ बिल्कुल झूठ। तुसी रब नू बे इनसाफी दा वाक मानदे हो? वह सिर्फ तुहानू ही नहीं सारी दुनिया नू प्यार करदा है। मन्या के प्राचीन समय विच उसने इजराइलियां दा पक्ष पूरा सी पर हुण 1900 साल हो गए ने जदों उन्होंने उसनू नाराज़ कर लिया सी ते उसने क्रोध विच उन्हां दी कौम नूं तबाह करन ते उन्हां नूं धरती ते खिंडार देण दा बीड़ा चुक्या सी तां जो उन्हां दा धर्म नवें भगत पैदा ना कर सके ते उह थां थां रुलदे खुलदे मर जाण। रब किसी एक कौम नूं तरजीह नहीं दिंदा पर हुण जो भी बचना चाहुंदे ने उह उन्हां सारिआं नूं रोम दे कैथोलिक चर्च की चौखट विच आउण लई कहिंदा है। इस दे बाहर किसी नूं कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। उदों ही उत्थे बैठा एक प्रोटेस्टेंट पादरी कैथोलिक मिशनरी वल मुड़िया ते कहा, तुसी किवें कह सकते हो कि मुक्ति का संबंध तुहाडे धर्म नाल है? गास्पेल दे अनुसार
सच्चे दिलों प्रभु की सेवा करने वाले प्रोटेस्टेंट ही बचणगे। कॉफी हाउस विच बैठे पाइप पी रहे सूरत की चुंगी के एक तुर्क कर्मचारी ने गुमान के खुमार विच दोवां ईसाइयां नूं कहा, रोमन धर्म विच तुहाडा विश्वास व्यर्थ है। 1200 साल पहला हज़रत मुहम्मद साहब ने सच्चा धर्म फैला के तुहाडे धर्म नूं रद्द कर दिता सी। तुहानूं नहीं दिखता कि किवें मुहम्मद का धर्म यूरप ते एशिया ते इत्थों तक के चीन वर्गे प्रबुद्ध देश विच वी फैलदा जा रहा है। तुसीं खुद कहिंदे हो कि रब ने यहूदियां नूं नकारिया है, ते सबूत दे तौर ते तुसीं इस तथ्य का हवाला दिंदे हो कि यहूदियां का अपमान हो रहा है ते उन्हां दा धर्म फैल नहीं रहा। फिर इस्लाम कबूल करो क्योंकि यह जेतू है ते दूर दूर तक फैल रहा है। अल्लाह दे नबी मुहम्मद दे पैरोकारां दे सिवा कोई नहीं बचाया जाएगा, ते उन्हां विचों भी सिर्फ उमर दे पैरोकारां नूं, अली दे नूं नहीं, क्योंकि वह झूठे ने। फारस दा धर्म शास्त्री अली संपर्दा दा सी ते उसनूं जवाब देना चाहुंदा सी, पर इन्ने नूं मौजूद वख वख धर्मां दे लोकां विच एक विवाद खड़ा हो गया। उत्थे अबैसनियन ईसाई तिब्बत दे लामे इस्माइली अते फारसी सन। उन्हां सारयां विच चर्चा छिड़ पई कि रब किहो जिहा है ते उसदी भगती किवें कीती जानी चाहीदी है। उन्हां विचों हरेक ने दावा कीता कि केवल उसदे देश विच ही सच्चा रब है ते उही सही ढंग नाल रब की पूजा करदा है। सारे चीख चिल्ला रहे थे। केवल एक चीनी भाई जो कन्फ्यूशियस का पैरोकार सी कॉफी हाउस के कोने विच चुपचाप बैठा चाह पी रहा सी ते विवाद विच हिस्सा नहीं लै रहा सी। उत्थे बैठा वह तुरक की निगाह पै गया ते उसने उसनू बेनती की, प्यारे चीनी भाई, मैं जो कह रहा हाँ तुसी उसकी पुष्टि कर सकते हो, तुसी चुप हो, पर जे तुसी बोलदे तां मैनू पता है कि तुसी मेरी धारणा की हामी भर दे। तुहाडे देश दे व्यापारी जो अक्सर सहायता लई मेरे कोल आउंदे ने मैनू दसदे ने कि चीन विच बहुत सारे धर्मां की चढ़त हुई है, पर चीनी लोग मुहम्मदी मत नूं सब तो उत्तम मानते हैं ते इस नूं खुशी नाल अपनाउंदे ने। तां हुण तुसी मेरे बचना की पुष्टि करो ते सानू सच्चे रब ते उसदे नबी बारे अपने विचार दसो। हाँ हाँ, बाकियां ने भी चीनी भाई नूं कहा, आओ सुनीए कि तुसी इस विषय बारे की सोचते हो। कन्फ्यूशियस दे पैरोकार उस चीनी भाई ने अपनियां अखां मीच लईयां ते पल भर सोचता रहा। फिर उसने अखां खोलियां, अपनी पोशाक दीयां चौड़ियां आस्तीनां विचों बाहां बाहर कढ़ियां, अपने हिक उत्ते रख लईयां ते बड़े शांत लहजे विच कहण लगा, साथियो, मैनूं लगदा है कि यह हंकार ही है जो मनुख नूं धर्मां दे मसलियां विच एक दूजे नाल सहमत होण दे राह विच रुकावट है। जे तुसीं मेरा पक्ष समझना चाहुंदे हो तां मैं तुहानूं एक कहानी सुनाउणा चाहुंदा हाँ जिस दे नाल इह गल साफ हो जाएगी। मैं इत्थे चीन तो एक अंग्रेजी जहाज़ विच आया हाँ। यह जहाज़ दुनिया की सैर ते निकलिया सी। ताज़ा पानी पीण लई असीं रुके ते सुमात्रा टापू दे पूर्वी कंडे ते उतर गए। दुपहर दा वेला सी, साडे विचों कुछ लोग समुंदर दे कंडे ही कुछ नारियल दे रुखां दी छावें जा बैठे। नज़दीक ही एक पिंड सी। असी सब भिन्न भिन्न कौमां दे लोग सी। जदों असी बैठे हुए सी तां एक अन्ना आदमी साडे कोल आया। बाद विच सानूं पता चलिया कि सूरज वल लगातार देखदे रहण नाल उसदी निगाह चली गई सी। वह जानना चाहुंदा सी कि सूरज आखिर शै की है तां जो वह उसदे प्रकाश नूं फड़ सके। ये जानने लई उह सूरज वल देखदा रहा। नतीजा यही होया कि सूरज की रोशनी नाल उहदियां अखां खराब हो गईयां ते वह अन्ना हो गया। तद उसने अपने आप नूं कहा, सूरज का प्रकाश पानी नहीं है क्योंकि इसनूं पानी वांग एक भांडे चों दूजे भांडे विच नहीं पाया जा सकता ते हवा इसनूं हिला भी नहीं सकती। यह अग भी नहीं है क्योंकि जे ये अग हुंदा तां पानी नाल बुझ सकदा सी। ये कोई आत्मा भी नहीं है क्योंकि अखां इसनूं वेख सकदियां ने। यह कोई पदार्थ भी नहीं है क्योंकि इसनूं हिलाया नहीं जा सकता। इसलिए क्योंकि सूरज का प्रकाश ना पानी है, ना अग है, ना आत्मा है, तो ना ही कोई पदार्थ है। यह है कि कुछ भी नहीं। यह सी उसकी दलील। तो हमेशा सूरज वल वेखते रहन ते उसके बारे सोचते रहन कारण वह अपनी निगाह और बुद्धि दोनों ही गवा बैठा। तो जदों पूरी तरह अन्ना हो गया उसनूं पूरा यकीन हो गया कि सूरज का वजूद तो है ही नहीं। उस अन्ने आदमी के नाल एक गुलाम भी सी। उसने अपने स्वामी नूं नारियल के दरख्त थले बिठा दिता ते जमीन तो एक नारियल चुक के उसका दीवा बनाउन लग्या। उसने नारियल के रेशियां तो एक बत्ती बनाई, गिरी विचों थोड़ा तेल निचोड़ के ठूठी विच पाया ते बत्ती नूं उस विच भिओं लिया।
ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ, ਅੰਨੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਹ ਭਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਦੀਵਾ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ। ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਏ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਟਾਪੂ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਛੇਰਾ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੰਗੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਉਂਝ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੁੱਝ ਨਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੈਵ ਨਾਮ ਦੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਰਬਤ ਮੇਰੂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਕੇਤੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਲੈਣੇ ਨਾਗ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ, ਸੂਰਜ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਏ ਅਤੇ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਪੋਨ ਭਾਵ ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗਾਹ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਉਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜਿੰਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਛਿਪਦਾ ਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵਾਂਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਵਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਾਇਲਟ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਏ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਏ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੇੜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਕੇਵਲ ਜਪਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨ, ਸੁਮਾਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ, ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ
आकाश वाल वेखोगे तो तुसी सारे इसनू समझ सकते हो, तो फिर ये नहीं समझोगे कि सूरज तुहाडे लई जां कल्ले तुहाडे देश लई ही चमकदा है। बुद्धिमान पायलट जिसने बहुत दुनिया गाई सी ते उपर आसमान दी भी खूब घोख कीती सी ने इस तरह अपनी गल दा तोड़ा झाड़िया। आस्था दे मामलों विच भी कन्फ्यूशियस दे पैरोकार चीनी भाई ने कहा, यह हंकार ही है जो लोगों के मन में भुलेखे ते झगड़े पैदा करता है। जो गल सूरज के संबंध में है उही रब के मामले में भी ढुकती है। हर आदमी अपना अपना एक अडरा रब बनाई रखना चाहता है जां वध तों वध अपने देश लई। हर राष्ट्र उस शक्ति नूं अपने मंदरां विच बंद कर लेना चाहता है जिसनों बाकी दुनिया ना रख सके। की कोई मंदिर उसके तुलदा हो सकता है जिसनों रब ने आप सारे मनुखां नूं एक विश्वास ते एक धर्म विच जोड़न लई बनाया है। सारे मानवी मंदरां दा निर्माण उस मंदिर दे नमूने ते होया है जो कि रब दी अपनी दुनिया है। हर मंदिर दे अपने सरोवर, अपने गुंबद, अपने दीवे, अपनियां मूर्तियां ते अपने चित्र हुंदे ने, अपने शिलालेख, अपने विधि विधान ग्रंथ हुंदे ने, अपनियां अरदासां, अपनियां कुरबानियां, अपनियां पूजा ते अपने पुजारी हुंदे ने। पर अजिहा किहड़ा मंदिर है जिसका समुद्र वर्गा सरोवर, आकाश वर्गा गुंबद होवे, सूरज चंद ते तारियां वर्गे दीवे होण ते मनुख वांग जिउंदियां जागदियां प्रेम करदियां मूर्तियां होण। रब दियां चंगियाइयां बारे शिलालेख कित्थे हन जिन्हां नूं उवें ही सौख नाल समझा जा सके जिवें लोकां दी खुशी लई रब दियां हर थां वंडियां दातां नूं समझा जा सकदा है। अजिहा विधि विधान ग्रंथ किहड़ा है जिहड़ा मनुख दे हिरदे विच लिखे ग्रंथ नालों सभना लई वधेरे स्पष्ट होवे। आत्म कुरबानी नालों वड्डी कुरबानी किहड़ी है ते चंगे इंसान दे दिल विच खुद रब भेंट स्वीकार करदा है। भला उस नालों वड्डी किहड़ी पूजा है? जिन्ना उच्चा रब बारे आदमी का विचार होवेगा उन्ना ही बेहतर उसनू जान सकेगा ते जिन्नी चंगी तरह उसनू जान लवेगा उन्ना ही उसके नेड़े होवेगा। इसलिए जो आदमी सूरज की रोशनी नू पूरे विश्व विच फैली वेखदा है उसनू अंधविश्वासी नू दोष नहीं देना चाहिए ना ही उस नाल नफरत करनी चाहिए है। वह अपने इष्ट विच ही उस रोशनी की एक किरण वेखदा है। उसनू नास्तिक नाल भी नफरत नहीं करनी चाहिए कि वह अन्ना है तो सूरज नू नहीं वेख सकता। ये सन कन्फ्यूशियस के पैरोकार चीनी भाई के शब्द। कॉफी हाउस में बैठे सब लोग शांत सन। धर्म नू लैके झगड़ा मुक गया।